हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैं इसमें हम लोग अभी तक आपके दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे निर्धनता एक चुनौती किस प्रकार है। ठीक है, तो आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप ना समझ सकें, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है। ठीक, इस अध्याय में हम निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा एक बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत अथवा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकारों द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। इसमें निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है इसमें। ठीक, निर्धनता का मतलब है सीधा सा गरीबी से। ठीक है, परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं, यानी कि गरीब हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चित्रों में बच्चे उठाए बेकारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता यानी कि गरीब देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। समझ सकते हो? वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति चार लोगों में से एक व्यक्ति गरीब है। ये स्थिति है, समझ में आया? इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। कितना? 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का जनगण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है, यानी कि गरीबी की हालत भारत में सबसे बुरी है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीद पाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। आप लोग तभी किसी समस्या को देख सकते हैं अपनी और समझ सकते हैं जब उस आदमी की जगह अपने आप को रखा करिएगा। अब आप बोले गरीबों की हालत वो उनके कर्मों की वजह से, कभी अपने आप को रखिए उनकी जगह, तब आप उनका दर्द समझ सकते हैं। किसी भी का अगर जिंदगी में
दर्द समझना है, तो उसे अपनी जगह रखिए, फिर सोचिए कि तुम्हारा क्या हालत होता। अब बोलिए 1500 रुपये में महीना किस तरह चलता होगा? क्या वो अपना स्कूल भेज सकता है? कपड़ा पहन सकते हैं? क्या पोषण खाना खा सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये हालत है हमारी, ये तो 27 करोड़ लोगों की हालत है जो अभी सरकारी आंकड़े में, इससे कहीं ज्यादा होंगे जो सामने नहीं आते। आप इतने समझदार हैं कि आप लोग जानते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े रहते हैं। देखिए, मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता है। अम्मा आप देर से आई हो, भैया बिना खाए खाना काम पर चले गए। रामशरण की कहानी। आगे बढ़ते हम लोग, ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन फिर आ खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल, थोड़ी सी सब्जी भी ही मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। यह हकीकत है। अभी भी आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों झोपड़ियों में जाते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनकी हालत कभी जाकर देखी हो, आप दूर से अंदाजा नहीं लगा सकते किसी भी समस्या का। आप जब उसके पास जाएंगे तभी आप उसे समझ पाएंगे। कभी टाइम वक्त मिले तो जाइए, आपको पता चल जाएगा गरीबी होती क्या है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की, जो तपेदिक की मरीज है, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसे बीमारी से ग्रस्त है। उसका जीवन भी धीरे धीरे छीन हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए दोनों कहानी आपने। मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि अगर हमारे देश में 2 काम हो जाए, एक शिक्षा का, दूसरा स्वास्थ्य का, तो किसी तरह हमारा कोई गरीब मरेगा नहीं, तो वो अच्छी स्थिति में पहुंचने की स्थिति में होंगे। आप भी समझ सकते हैं कि अब जिसके पास 50,000 रुपये है नहीं है, वो 2 लाख 3 लाख का इलाज कैसे करवा सकता है? जिसके पास 1500 रुपये इनकम हो रही महीने की, वो अपने बच्चों को स्कूल, VIP स्कूल में कैसे पढ़ा सकता है? और आप गांव के स्कूलों की हालत जानते हैं, क्या हालत है, समझ रहे हैं आप लोग? निर्धनता के उपयुक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, असहायता। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका एक अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और स्टेशन, रेलवे स्टेशनों, लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्भरता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा।
और सरकारें आती जाती रहती हैं। आप एक समझिए ये बात को कि जब से आजाद हुआ हमारा देश तभी से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, हर नेता बड़े बड़े वादे करके आता है, लेकिन उसकी एक कहावत है आप कि जब कोई भी राजा पद पर बैठता है उसके कुछ समय बाद उसका दिमाग मतलब बुद्धि नष्ट होने लगती है। ये आप सोच के बैठिए, जब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलती है हमारे दिमाग में बहुत सोच आती है, बहुत कुछ करने का विचार आता है, लेकिन जैसे ही हमें कोई पद मिल जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो सुना होगा आपने कि जब भूखे रहते हैं तो हजार दिमाग में विचार आते हैं कि कैसे खाना खाए, कहाँ से जुटाया जाए, लेकिन हमारे पास सामने थाली लगी मिल रही है तो हमारा दिमाग कहाँ चलेगा। तो यही इन नेताओं का होता है, सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे रहते हैं और सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्भरता, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोगी प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामूहिक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, आपको इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है क्योंकि एक आपको मेज मजबूत तो हो, आप समझे तो कि गरीबी किस तरह होती है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में ज्ञान तो होना चाहिए। नेताओं में आप में जमीन आसमान का फर्क है, समझ में है? सामाजिक अपवर्जन, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकट निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभों अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग उपभोग दूसरे उनसे अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। आप लोग एक समझ सकते हैं, आप लोग अगर इन्हें देखेंगे अपनी नजरों से वहां बैठ, अब उनकी जगह आप रखते तो आप कहेंगे कि आरक्षण व्यवस्था सही है, लेकिन मैं मानता हूं कि आर्थिक उच्च आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जिसकी शिक्षा स्तर गिरा हुआ है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई ST ST के लोग हैं जो बड़े बड़े पद पर पहुंच गए, बहुत पैसा हो गया, और कई लोग ऐसे भी हैं सामान्य जाति में भी, जनरल OBC में भी, कि उनके पास उनकी स्थिति अभी भी टाइट है, यानी कि उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, तो आरक्षण उन्हें भी मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, बात करते हैं असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा की एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय हो जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या फिर व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए भिन्न भिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों की समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की
उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में ही अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा। आप देखिए, कोई भी आपदा है हमारे देश में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? गरीब, निर्धन। फिर चाहे वो आपकी मानव जनित आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। अब आप अभी 2020 में ले सकते हैं कोरोना। देखिए, विदेश कोई गरीब नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतान किसे करना पड़ा? गरीब को। अभी जो आपकी अम्फान तूफान आया हुआ है, देखिए सबसे ज्यादा कौन मरा? गरीब। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्षम होते हैं, वो अपना ठिकाना बना लेते हैं, लेकिन इनका उतना इनके बस की बात नहीं रहती है कि ये अपना अच्छा आसियाना ढूंढ लें सुरक्षित। ठीक। फिर आपका निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित किसी व्यक्ति की को निर्धन माना जाता है। यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भिन्न भिन्न कालों, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है आपकी। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। अब समझ सकते हैं आप अमेरिका और भारत में कितना अंतर है। भारत में उस आदमी को निर्धनता अमेरिका में सॉरी अमेरिका में उस आदमी को निर्धन यानी कि गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, यानी कि फोर व्हीलर नहीं है। और भारत में यह स्थिति आप समझ सकते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों और जूतों और ईंधन, विकास शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अब समझ सकते हैं आप लोग इसमें अगर कि अमेरिका में क्यों विकसित है और हमारा भारत क्यों पिछड़ा हुआ है। ठीक है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ साक्षरता किसे माना जाता है? साक्षर इंसान उस व्यक्ति को माना जाता है जो लिख पढ़ सके। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लिख पढ़ रहा है यानी कि वो समझता हो, नहीं जानता कुछ भी नहीं, बस लिखना जानता हो, उसे पता हो कि ये उसने लिखा क्या, वो साक्षर हो गया है। साक्षर इस तरह से तो आप अगर गांव में आजकल देखा होगा, वो लोग भी जिनके आगे जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो भी आजकल लिख कर जान रहे हैं कि ये क्या लिखा है उन्होंने, तो उन्हें भी साक्षर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। ये स्थिति है। अगर अच्छे से गणना की जाए तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्र में आपका 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं यानी कि मेहनत करते हैं, तो उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए
समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस परिकल्पना के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 812 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। एक व्यक्ति के लिए, याद रखिए, आपने देखा होगा कि वहां चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसकी बीवी थी, फिर भी वो 1500 रुपये मात्र कमा रहा था। समझ में? और यहाँ बात कर रहा है एक व्यक्ति को चाहिए एक महीने में कितना, 816 रुपये गांव में और शहरी में 1000 रुपये। ठीक है, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। यदि उनकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रति माह से कम हो, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा से नीचे होगा, याद रखिए, यानी कि गरीब ही से भी नीचे होगा, यदि उनकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रति माह से कम हो। अगर जिसकी 4,080 रुपये से ज्यादा है वो निर्धन नहीं कह सकते उसे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अधिकतर लोगों की आय क्या रहती है। इसी तरह के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर पिति दर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय पिति दर सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO करता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। यह सर्वेक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय पिति दर सर्वेक्षण संगठन। यह तदापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे 1.9 डॉलर अमेरिकी डॉलर यानी कि 2011 की PPP व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, प्रतिदिन जो आदमी 1.9 डॉलर कमाता है। ठीक, अब बात करते हैं निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 ये आपका तालिका भारत में निर्धनता के अनुमान तेंदुलकर कार्य प्रणाली के अनुसार 1993-94 में निर्धनता अनुपात प्रतिशत में निर्धनता की संख्या करोड़ ग्रामीण में आपकी 507, शहरी क्षेत्रों में 32 और युग 45 के यहाँ 50 होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ में है आपकी 339, शहरी क्षेत्र में 75, संयुक्त 404। जो 2011-12 की बात करें हम लोग तो ये आपका 26%, 14% यानी कि घटा है। उसके बाद कुल है इसका 22, यहाँ 270 यानी कि कम हुई है गरीबी। इसका मतलब 1993-94 में लगभग आपके 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों यानी कि 1973-93 में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसत गिरावट आपकी 2.2% वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच हुई है। ठीक है, इस सारणी को देख लें आप लोग। अब बात करते हैं असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में
एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, यानी कि ST SC। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब जनजाति, ठीक है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये है, देखिए इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या, सामाजिक समूह एवं आर्थिक, ये आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इसमें 43%, अनुसूचित जाति 29, भारतीय निर्धनता औसत 22, अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण 34, अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी 34%, कितने में से 100 पुरुष में से 43, ठीक है, यानी कि 100% में से 43, इस तरह से ले सकते हैं। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे, लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सकता, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा, समझ सकते हैं आप लोग, ये है आपकी स्थिति मेरी भी। यार आगे बढ़ने की सोची है, वहां खाने की भी आदमी कैसे सोच सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किसी भी समस्या को आपको अगर दिखावा लगता हो तो समस्या उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को रखकर देखिए, तब पता चलता है कि क्या समस्या है आखिर, वरना दूसरे की समस्या को हम लोग मजाक ले लेते हैं, ठीक है। हाल के कुछ अध्ययनों से दर्शाया गया है कि वर्ष 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह यानी कि अनुसूचित जाति ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। ये सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों के सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाएं वृद्ध लोगों बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। अब इस कहानी को पढ़ लीजिए आप लोग, शिवरमन की कहानी। अब देखिए शिवरमन की जगह अपने आप को रखिए, तब आपको इस कहानी का अर्थ पता चलेगा और आपको बेहतर समझ में आया। जब भी आपको किसी चीज को समझने में कठिनाई हो रही है उसकी जगह आप अपने आप को रखा करिए, बेहतर आपको याद भी रहेगा और आप बेहतर समझ भी पाएंगे, ठीक है। कहीं अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार की जगह अपने आप को रख लिया करिएगा, ठीक है। इस तरह से शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहते हैं। करूर हथकरघा और बिजली हथकरघा से कि अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्यूर थंथियार मोची जाति का है और अब वह 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 से 6 महीने ही मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसे उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये की प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। देखिए यहाँ पुरुषों महिलाओं में असमानता देखी जाती है। ये असमानता आपकी एकाएक नहीं उपजती है, आपके जन्म से लेकर उत्पन्न होती है। घर में आपने देखा होगा, आपके घर में अगर आप और बहन है तो आपको दूध गिलास भरा दूध दिया जाएगा, उसे सूखा फूका रोटी दे दी जाएगी,
तो ये असमानता आपके परिवार से ही पैदा होती है, ठीक है। अगर वहां से खत्म होने लगे तो एंड तक खत्म हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ भी हो घर परिवार से ही शुरू होता है, राजतंत्र हो फिर लोकतंत्र, आपके गरीब परिवार से ही शुरू होता है। सेवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन भी है। उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर भी एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनका शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। सेवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन सेवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योगवर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि भी उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, सेवरमन मात अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। अब बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय असमानता। याद रखिए अगर इन्हें को आप लोग क्वेश्चंस दिए रहते हैं इन्हें सॉल्व कर लें तो अच्छी बात, वरना आप लोग पढ़ के निकल जाए जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो लास्ट में क्वेश्चंस दिया करेंगे उन पर भी एक बार विचार कर लिया करिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय असमानताओं की बात करें तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता का अनुपात 22%, कितना 22%। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। क्या है? 22% से भी ज्यादा है कई राज्यों में आपका, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है कि बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बिहार है, दिख रहा है, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश टॉप 5 में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी आपकी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अब आप लोग पाते हैं कि कुछ भी इंडेक्स आते हैं तो उसमें आपका केरल सबसे ऊपर रहता है, फिर चाहे शिक्षा में हो, लिंगन पास में हो, यानी कि कहने का मतलब लिंगन पास सही है वहाँ, शिक्षा की स्थिति सही है, स्वास्थ्य की स्थिति सही है केरल में, क्योंकि वहाँ गरीब नहीं है, गरीबी है काफी हद तक सीमित है वहाँ, ठीक है। जहां आप समझ सकते हैं कि सबके पास पढ़ने का अधिकार होगा, सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं होगी, वो आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, उसकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10%
रह गए, यानी कि $2 आप लोग सुविधा के लिए इसे मान लें, ठीक है। अगर आपका डॉलर 70 रुपये का है तो 140 रुपये प्रतिदिन की बात हो रही है, ठीक है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बेहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बेहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई। दक्षिण एशिया देशों की बात करें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र रही है। 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। आप लोग एक समझ सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, कई नेता आते हैं, कई अभी भी होते हैं, इनको बनाता कौन है नेता? अब आप सोचिए कि हम लोग पाकिस्तान की बराबरी करेंगे, बांग्लादेश की बराबरी करेंगे हम लोग? नहीं, हमें चीन की बराबरी करनी चाहिए, अमेरिका की बराबरी करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पाकिस्तान से बराबरी करने लगते हैं कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ स्थिति ठीक है। अरे भाई, वो उनकी स्थिति से क्या मतलब है, हमें तो आगे बढ़ना है ना। हम दूसरे की स्थिति देखकर थोड़ी यही अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे, अरे उसकी स्थिति है तो मुझे मेरी भी स्थिति यही बनती रहे। अब आप देखते हैं कहीं बच्चे मरते हैं अगर बीमारी से, तो वहां बोलते हैं, आते हैं, वो कांग्रेस के समय में इतना मरे थे, कोई कहता है बीजेपी के समय में इतना मरते हैं, तो क्या कॉम्पिटिशन करने आए हुए हो? बताइए, आप बोलिए, आपकी तो ये लक्ष्य बनता है कि कांग्रेस के बीजेपी के समय में कुछ भी हुआ हो, किसी भी पार्टी के समय में कितने भी मरे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए, तभी आप सफल कहला सकते हैं। समझ में आए? बराबरी करना किसी से नहीं करनी है कि वो गरीब है तो हम भी गरीब हैं, आप छोड़िए उसे, आप आगे निकलिए, ठीक है। ये आपकी साइड देख लेना, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में, ये आर्थिक सर्वेक्षण आपके बदलते रहते हैं, ठीक है, जो बजट आता है आपका उसी समय, तो इनसे करंट से जुड़े रहा करिएगा। और आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते ही होंगे, तो उसमें भी आपके अपडेट होते रहते हैं आंकड़े, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस NCERT आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप समझ सकें, स्थिति जान सकें, क्योंकि नीतियां तो वो बना देते हैं लेकिन उन्हें लागू करवाना तो आपका दायित्व है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। लेटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 5-10-15 में 4% रहेगी। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता भी नहीं थी। तालिका 3.2 में अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात 1.9 डॉलर प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। याद रखिए, जो सतत विकास लक्ष्य है आपके 17 है, इन्हें आप लोग अच्छे से रट लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार ये पूछ लेते हैं और कई बार आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, तो आप लोग उन्हें भी अच्छे से देख लेना। देखिए, आप निर्धनता है हेड काउंट अनुपात कुछ चुनिंदा देशों के बीच, ये देश हो गए, ये प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम बालों की संख्या, नाइजीरिया में आपके 53.5%, बांग्लादेश में देख सकते हैं 14.8%, भारत में 21.2%, पाकिस्तान में 4.7%
0%, चीन में 0.7%, ब्राजील में 3.4, इंडोनेशिया में कितना है 5.7, श्रीलंका में 0.7, 0.7%। अब आप लोग यहाँ एक ध्यान दीजिए, देखिए हमारी सबसे स्थिति खराब है हमारे पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, श्रीलंका से। इस पर ध्यान आप लोगों का नहीं जाता है कि हम लोग अपने पड़ोसियों से भी कई मामलों में पिछड़े हुए हैं। समझ में आया? विश्व बैंक के आंकड़े हैं, देख लीजिए। चीन पूर्व एशिया का प्रशांत, सब सहारा अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, कैरिबियाई, दक्षिण एशिया, ये सब सहारा अफ्रीका इस तरह से। चीन में देखिए, ये आपका दक्षिण एशिया है और चीन की स्थिति ये आपकी, ये आपके लेटिन अमेरिका हो गया, ये आपका चीन हो गया। ठीक, क्षेत्र अनुसार निर्धनता की संख्या 1.90 प्रतिदिन डॉलर के हिसाब से मिलियन। देखिए सब सहारा अफ्रीका में, फिर आपका ये दक्षिण एशिया में, लेटिन अमेरिका, पूर्व एशिया, फिर आपका चीन, इस तरह से। बात करते हैं निर्धनता के कारण की। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारों को नष्ट कर दिया और वस्त्र क्षेत्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1990 के 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रवृत्ति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों में पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। आप समझिए कि चीन और भारत तो लगभग समय एक ही समय लगभग आसपास ही आजाद हुए, लेकिन देखिए चीन कहाँ पहुंच चुका है और हम कहाँ रह गए हैं। इसमें हमारे नेताओं की या हमारी योजनाओं की भी तो इसमें कमी रही है, नहीं रही है कि दोनों देश एक समय पर आजाद होते हैं और एक देश कहाँ रहता है, दूसरा देश कहाँ पर। आप कह सकते हैं कि जनसंख्या एक वजह हो सकती है निर्धनता का, तो जी हो सकती है, लेकिन चीन को उसकी जगह रखिए। कई देश हैं जिनकी जनसंख्या देखे फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या को दोषी नहीं ठहरा सकते हम लोग। जैसे आपके यहाँ अभी काम करने वाले जनसंख्या का 30% एक अच्छा खासा जनसंख्या है, आप उसे काम दे सकते हैं, उसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी होगी और देश की तरक्की में भी योगदान देंगे। लेकिन आप उन्हें शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो वो देश की तरक्की छोड़िए, वो देश पर बोझ बनकर रह जाते हैं। और इंडिया की यही हालत है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते। वे शहरों के से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र भी एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे जैसे प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधारा जा सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी। अति निर्धनों सहित
भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों का के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धन राशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋण ग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि एक किसान सेठ से कर्जा लेता है, उसका कर्ज पर इतना अधिक ब्याज चलता है कि वो उसे कभी नहीं चुका पाता है। पर आपका निर्धनता नियोगी निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, और ये रहा है आपका 1947 से ही रहा है, लेकिन अभी तक इसके सॉल्व नहीं किया जा सका। सरकार की वर्तमान निर्धनता निर्धुरी निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारक हैं, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं रही। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5 यानी कि 3.5% की औसत से बढ़कर 1980-90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सहित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षाकृत से बहुत कम है। निर्धनता पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है, कृषि पर आश्रय रहता है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे आप लोग मनरेगा बोलते हैं, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तो ये स्थिति थी आपकी। इस स्कीम के तहत अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% रहा है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई। इन राज्यों में एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए से 168 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति बिहार झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी,
इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी योजना की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। आप देखते होंगे योजनाएं ऊपर से चलना अलग बात हो जाती है और हकीकत नीचे तक आना एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो यही हालत रहता है। अभी आप गांव की स्थिति जाकर देखिए, कितने लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे बड़े पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्य निःशुल्क उपलब्ध कराए जा सके। एक बार NIEGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाए, यानी कि वे अपना रोजगार स्वयं स्वयं उत्पन्न कर सकें। ठीक है, पर आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ आपका 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। फिर आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ इसका 1999 में किया गया था। याद रखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह आपका 1993 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के यानी कि अपना रोजगार सृजित करने का मौका देने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा आपका ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, ये 1995 में लाई गई। इसका उद्देश्य भी आपका ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। और फिर है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वराज स्वरोजगार योजना, ये आपकी 1999 में आई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए उनके कम प्रभाव होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चय करने की कमी रही और एक सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी रही। क्योंकि अभी भी आप लोग जानते हैं कि मनरेगा के तहत आपको 100 दिन का रोजगार तो दिया जा रहा है, लेकिन कितने लोग जानते हैं गाँव में कि मनरेगा के तहत उनका हक है कि 100 दिन उन्हें रोजगार मिलेगा। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं रहता है। मैंने खुद देखा है कई जगह इस तरह का, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है नाम का कि मनरेगा इस तरह की कोई योजना है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई लक्ष्य आपका सक्सेस हो सकता है। याद रखिए स्वच्छ भारत अभियान का सक्सेस होने का एकमात्र कारण ये है कि जागरूकता बढ़ी लोगों में, तभी स्वच्छता में बढ़ना, अकेले ना तो प्रधानमंत्री को उखाड़ पाते ना ही कोई और। इसलिए वो सक्सेस हुई क्योंकि इससे देखा होगा आपने नीचे से नीचे का तबका भी इससे आकर जुड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए, इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। भावी चुनौतियां क्या है इसके सामने? भारत में निर्धनता में
निश्चित रूप से गिरावट आई, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में निर्धनता के व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उचित आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनकी केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपने भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, या फिर घर है, या फिर स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या फिर रोजगार की सुरक्षा है, या फिर आत्मविश्वास। याद रखिए, ये सभी कारक जहां मौजूद होंगे वहां स्थिति आपकी सही रहेगी, फिर चाहे वो केरल हो, अमेरिका हो, या फिर चाहे आपका कोई अन्य देश हो। क्योंकि जहां शिक्षा होगी, इस तरह के बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, वहां के लोगों की जिंदगी स्वाभाविक है कि अच्छी रहेगी, और वो देश भी आपका प्रगति करेगा। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी पिछले थे? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत में तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। इसका सारांश क्या हो सकता होता है? आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम सामान्यतः से निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणा के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विश्वास विस्तार कर रहे हैं। एक बात आपको हमेशा रखिए, जिस परिवार का मुखिया, फिर चाहे किसी देश का मुखिया, दूरदर्शी होगा, दूर की सोच के चलेगा, वही देश तरक्की कर सकता है, याद रखिए हमेशा। अब आप सोच सकते हैं, जब आपका कोरोना वायरस चीन में आया, चीन के बाद अन्य देशों में फैलने लगा, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, तो तभी आपको समझ जाना चाहिए था और अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर लेनी चाहिए थी। यानी कि ये तो उसी जैसा हुआ हाल कि हम तब तक उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक कि वो समस्या हमें डस ना ले। अब देख सकते हैं आप लोग कितना भारी, कोई लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ रहा है, और केस बढ़ते जा रहे हैं, वापस नॉर्मल सब होता जा रहा है, तो अब और भी केस बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। और अभी कल एक मैं किसी न्यूज पेपर में पढ़ रहा था कि जो मजदूर लौट रहे हैं, जो श्रमिक दिल्ली से बाहर लौट रहे हैं, उनमें से 4 में से 1 कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके गांव में भी कहीं से मजदूर आ रहे हैं और इनकी चेकिंग होती है, तो उनमें भी 1 4 में से 1 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका तीसरा चैप्टर। क्या था तीसरा चैप्टर? इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगा सकते हैं आप लोग, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से अपने पास रख लें। क्या होता है इससे कि आप लोग आगे कभी टाइम मिलता है तो रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी रहेगी। लास्ट चैप्टर आपका बचता है 4, इसमें बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। ठीक है, इसके खत्म होने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था कक्षा 9वीं की
समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत और समकालीन विश्व एक के बारे में।